हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एचपीडीसी एंड सीएनसी सॉल्यूशन में। दोस्तों, मैं आपका दोस्त अरुण यादव हाजिर हूँ आपके सामने एक और नई लेटेस्ट वीडियो लेकर के। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि कुशन कप या पॉपट वाल जो होता है, जो एक्युमुलेटर में यूज होता है 80 लीटर का, वो किस प्रकार से कार्य करता है और उसके पार्ट क्या क्या होते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। इससे पहले कि दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे कि हमारे लेटेस्ट वीडियो आपको प्राप्त हो सके। और हाँ दोस्तों, आप हमें लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। तो आइए दोस्तों, हम बात करते हैं आगे। ये मेरे हाथ में एक बॉक्स है, आप देख रहे होंगे, इसमें 80 लीटर का जो है पोपट वाल या कुशन कप हम कहेंगे, जो एक्युमुलेटर में लगता है वो है। तो देखिए, मैं इस बॉक्स को अनबॉक्स करने जा रहा हूँ। ये देखिए, मैंने इसको खोला है। सबसे पहले इसमें एक मैनुअल रखी हुई है, निकोल निपोन एक्युमुलेटर कंपनी लिमिटेड है ये। ये देखिए, ये इसकी मैनुअल है, यूजर मैनुअल, जो किस प्रकार से इसको चालू करना है, इंस्टॉल करना है, उसके लिए इसमें बताया हुआ है। अब देखिए, ये मेरे हाथ में एक कुशन कप है। ये देखिए, मैंने इसको निकाला, एक पैकिंग दी हुई है इसमें, पैकिंग को मैंने हटाया है। देखिए, अब पैकिंग खोलेंगे हम इसकी। ये देखिए दोस्तों, आप देख पा रहे हैं, काफ़ी अच्छी पैकिंग की हुई है इनमें। तो अब हम इसके पार्ट की बात करते हैं दोस्तों। सबसे पहले देखिए, इस रबड़ का इसमें दिया हुआ है नीचे की साइड में छल्ला, इसको हटा देते हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये इसकी जो है ओरिंग है आउटर साइड की, ये ओरिंग जो है ये इनर साइड की है। दो ओरिंग है, एक ऊपर एक नीचे लगी हुई है। ये फ्लेंज की थ्रेड है इसमें। देखिए, नीचे की साइड से मैं आपको दिखाता हूँ ये किस प्रकार का है। नीचे की साइड से काफ़ी क्लियरिटी है इसके काम में। ये देखिए, एक लॉकिंग नट दिया हुआ है, जो हमारा पोपट वाला उसको लॉक करने के लिए दिया हुआ है। और ऊपर की साइड में देखिए, ऊपर से भी काफ़ी अच्छा है ये, बहुत ही एक्यूरेसी में बनाई हुई चीज़ें हैं दोस्तों ये, इन चीज़ों के लिए एक्यूरेसी। ये देखिए, यहाँ पर कॉलर बैठता है इसका, जब ये बंद होता है, देखिए इस प्रकार से बंद होता है दबाने के बाद में। ये देखिए, स्प्रिंग से ये प्रेस होता है, अंदर की साइड में एक स्प्रिंग लगा हुआ है इसमें, ये पीछे की साइड से ऐसे मूव करेगा ये। तो अब इसका दूसरा पार्ट जो होता है, जिसको हम पोपट वाल बोलते हैं, पोपट, वो है इसका, इसी पे नाम है कि पोपट वाल इसीलिए बोला जाता है। ये देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये इसका पोपट है और इसके नीचे एक स्प्रिंग लगा हुआ है, हाई फ्लो स्प्रिंग इसको बोलते हैं हम। और इसके नीचे की साइड से मैं आपको दिखाता हूँ, तो ये हाइड्रोलिक पोर्ट या फ्यूल्ड पोर्ट इसको बोलते हैं हम, जिससे फ्यूल्ड इन और आउट दोनों होता है। तो इस प्रकार का हो गया। आप देखते हैं ये कि ये काम कैसे करता है। आपने बहुत सारे एक्युमुलेटर देखे होंगे, उन एक्युमुलेटरों में ये लगा हुआ होता है। देखिए, साइड में एक दिखा रहा हूँ इमेज, इसमें देखिए ये पोपट वाल बंद हो गया है पूरा, जब कंप्रेस किया नाइट्रोजन ने इसको, और इसके बाद में अब हाइड्रोलिक फ्यूल आएगा तो ये खुल जाएगा। ये देखिए, ये हर बार इसी प्रकार से काम करता है। देखिए, मैं हाथ से बंद करके दिखा रहा हूँ आपको, बंद हो गया, फिर बंद हो गया, फिर बंद हो गया। जितनी बार हमें इसका ऑपरेशन होता है, जितनी बार हम आगे फ्यूल की ज़रूरत होती है, उस टाइम ये इसी प्रकार से काम करता है। ये देखिए, इसके नीचे एक पार्ट और रह गया है, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो मैंने लॉक नट बताया था, इसके नीचे लगा हुआ है फ्लेंज वाशर लगा हुआ है, इसकी भी बहुत बड़ी अहमियत होती है इसमें। ये देखिए, इसके साथ ही ये मूव करता है, फ्लेंज वाशर जो होता है लॉक नट के पीछे लगा हुआ होता है, तो लॉक नट के साथ ही ये रहता है, इसके साथ ही मूव करेगा लॉक नट के। ये देखिए, आगे से बिल्कुल ये एक्यूरेसी में कॉलर बनाए हुए हैं, जो इसको बंद कर देते हैं बिल्कुल, जो हमारा ब्लैडर होता है वो किसी भी कंडीशन में बाहर नहीं जाता है इसके चलते। तो दोस्तों, इस प्रकार हमने जाना कि पोपट वाल और कुशन कप किस प्रकार से कार्य करते हैं। इस प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।